हाय, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं आप सबका मेरे इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉलेज के बारे में, मतलब मैं लेके आया हूँ एक नई सीरीज आप सबके लिए, वो है कॉलेज पे चर्चा। आप सबकी ही बहुत सारी डिमांड्सों के बाद मैंने ये सीरीज चालू करने का सोचा। इस सीरीज में मैं हर रोज एक एक कॉलेज के बारे में आपको सभी जानकारी प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले अगर मैं किसी कॉलेज के बारे में इंट्रोड्यूस करूँ तो वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिरज। मिरज मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है और वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है। अगर मैं बात करूँ उसके रैंकिंग के बारे में तो उसको 7 में 7 स्टार्स मिलते हैं 10 में से, मतलब इतना अच्छा कॉलेज है। अगर मैं मिरज को कंपेयर करूँ BJMC से और GSMC से और मुंबई के बाकी कॉलेजेस से तो मिरज भी उनमें स्टैंड करता है, क्योंकि मिरज बहुत अच्छी सिटी है। और उसके साथ ही मिरज को अगर हम देखें तो वो हॉस्पिटलाइज सिटी है, उसको उस सिटी में आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मिलेगा। इस कारण से मैं इस वीडियो की जो शुरुआत है और इस सीरीज़ की जो शुरुआत है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज से करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिरज की कुछ हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज 52 ईयर्स ओल्ड है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 1864 की, तो 1864 में वेस्टर्न महाराष्ट्र में सबसे पहले एक इंडियन डॉक्टर होता है और उसका नाम होता है डॉक्टर गोपाल राव वाटवे। डॉक्टर गोपाल राव वाटवे वेस्टर्न महाराष्ट्र में सबसे पहला इंडियन डॉक्टर बने थे, मतलब इंडिया के रेसिडेंट जो सबसे पहले डॉक्टर बने थे। वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात में कर रहा हूँ, तो वो सबसे पहले डॉक्टर हुए वेस्टर्न महाराष्ट्र में, सांगली के थे वो। तो उन्होंने सांगली के जो किंग थे पटवर्धन, उनके साथ मिलकर मिरज में एक हॉस्पिटल बनाने की सोची 1864 में। तो पटवर्धन सर और वाटवे डॉक्टर ने मिलकर एक हॉस्पिटल स्थापन किया मिरज में 1864 में। तो ये हॉस्पिटल देखकर 1892 में सर विलियम वॉलनेस ने भी एक हॉस्पिटल चालू किया और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन चालू किया मिरज में। इस वॉलनेस हॉस्पिटल भी एस्टैब्लिश किया, उसके साथ साथ ही उसने एक वॉलनेस फार्मेसी कॉलेज भी एस्टैब्लिश किया 1892 में। तो अंग्रेज़ों ने भी पीछे हटना नहीं सोचा, उन्होंने भी वॉलनेस हॉस्पिटल बनवा लिया, उसके साथ साथ ही वॉलनेस फार्मेसी कॉलेज भी एस्टैब्लिश किया। अगर मैं बात करूँ इंडियन डेवलपमेंट के बारे में, तो जी सर पटवर्धन के साथ वाटवे डॉक्टर ने मिलकर मिरज में 1864 में सबसे पहला अपना हॉस्पिटल बना लिया। उस हॉस्पिटल की क्लिक भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है सबसे पहले जो हॉस्पिटल बनवाया था मिरज में उसकी क्लिक। तो ये है सबसे पहली गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बिल्डिंग मिरज में, जो स्थापित की थी वाटवे और सर पटवर्धन ने मिलके। तो ये हुआ 1892 में क्या हुआ, वाटलेस ने भी अपना हॉस्पिटल स्थापन किया, उसके साथ साथ ही वाटलेस ने अपना फार्मेसी कॉलेज भी चालू किया मिरज के एरियाज में। उसके बाद 1961 में जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिशर्स से, उसके बाद 1961 में जो महाराष्ट्र के उस टाइम के जो CM थे वसंतदादा पाटिल, उन्होंने क्या किया, एक कमेटी स्थापन की मिरज में जो गवर्नमेंट कॉलेज मिरज को स्थापन कर सकती है मिरज के एरिया में। तो मिरज का एरिया अगर हमने इंडिपेंडेंस के बाद भी देखे और इंडिपेंडेंस के पहले भी देखे तो बहुत सारा हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटलाइज्ड एरिया मिरज हुआ करता था वेस्टर्न महाराष्ट्र में। वेस्टर्न महाराष्ट्र में मिरज एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के संबंध में अगर हम देखें। इस कारण से जो महाराष्ट्र के CM थे वसंतदादा पाटिल, उन्होंने सोचा कि मिरज में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बनवाया जाए, ताकि बहुत से छात्र मिरज के एरिया में जो रहने वाले छात्र और सांगली डिस्ट्रिक्ट में जो रहने वाले छात्र, वो मिरज से पढ़कर बहुत अच्छे डॉक्टर्स और MD का कोर्स परस्यू करें। तो सबसे पहली जो बैच मिरज में चालू हुई थी वो 1963 के जून महीने में चालू हुई थी और वो लगभग 30 बच्चों की बैच थी, वो सबसे पहली बैच थी मिरज में। और अब तक अगर हम देखें मिरज का रिकॉर्ड, तो मिरज का रिकॉर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट रहा है। लगभग 10 में से 8 लोग जो मिरज में से पास होके निकलते हैं बाहर MBBS करके या फिर MD और कोई भी PG कोर्स या डिप्लोमा करके, तो 10 में से 8 लोग को जॉब मिल जाता है बाहर इजीली और आसानी के तरीके से, मतलब 80% इसका प्लेसमेंट रेशियो है। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें NRF के राइटिंग, उसके साथ साथ ही
स्टार कंपोजिशन, तो फिर मिरर्स को 10 में से 7 स्टार्स देते हैं उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और उसके सारे डेवलपमेंट के लिए। तो फिर ये था ग्लोरियस हिस्ट्री अगर हम मिरर्स की बात करें। अगर आपको अभी ये गवर्नमेंट कॉलेज मिरर्स चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो लगभग अगर हम देखें मिरर्स गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ जो नीट की अभी एग्ज़ाम हुई थी 2022 की, उस दौर अगर हम देखें मिरर्स का जब जो कट ऑफ था, अगर मैं पूरी कैटेगरीज और उसका जो ऑल इंडिया रैंक था, ये जो कट ऑफ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वो स्टेट का कट ऑफ होगा और वो स्टेट के राउंड टू का कट ऑफ होगा। अगर मैं बात करूँ मिरर्स कॉलेज के कट ऑफ के बारे में, तो एससी कैटेगरी के लिए मिरर्स का जो कट ऑफ था वो 488 था और जो उस छात्र की जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 92,929 थी। उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था वो 330 मार्क्स थे और उसकी जो कैटेगरी रैंक है उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 271,423। उसके बाद जो वीजी कैटेगरी और उसको भी वीजी कैटेगरी को भी दूसरा नाम होता है एनटीए कैटेगरी, एनटीए कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 533 मार्क्स और उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 60,206। उसके बाद एनटीपी कैटेगरी, एनटीपी कैटेगरी जो मिरर्स गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ था वो था 531 मार्क्स, 531 मार्क्स के साथ जो उसका ऑल इंडिया रैंक थी वो 61,297 थी। एनटीसी कैटेगरी, एनटीसी कैटेगरी की जो ऑल इंडिया कट ऑफ था वो था 567 मार्क्स और जो उसकी ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 38,070। एनटीडी कैटेगरी के लिए जो ऑल इंडिया कट ऑफ था वो ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं स्टेट कट ऑफ था वो था 583 मार्क्स और उसका जो ऑल इंडिया रैंक था वो था 29,665। जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे नीट के एग्जाम में वो थे 573 और उसका जो ऑल इंडिया रैंक था वो था 34,601। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका मार्क्स था 582 और उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 29,969 थी। ओपन कैटेगरी के लिए जो ऑल इंडिया मार्क्स थे ऑल इंडिया नीट मार्क्स थे वो थे 586 और ऑल इंडिया रैंक थी 27,511। और जो स्पेशल रिजर्वेशन है जो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, जैसे कि एमकेबी रिजर्वेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, एमकेबी के लिए जो था कट ऑफ वो था 563 और मार्क रैंक थी 40,623। पीएच के लिए 8,16,310। D1 कैटेगरी उसके लिए था 548 मार्क्स 49,860। D2 कैटेगरी 562 मार्क्स 37,238। D3 कैटेगरी 48,830 ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स थे 550। तो ये था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मिरर्स का कट ऑफ जो नीट 2022 में था। तो ये जान लिया आपने तो कट ऑफ मतलब आप किस तरीके से इस कॉलेज में एडमिट हो सकते हैं, आसानी से एडमिट हो सकते हैं मतलब एडमिशन ले सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होना मैं नहीं बोल रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिरर्स की हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में, तो फर्स्ट ईयर से ही यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए और हॉस्टल की जो फीस है वो लगभग 4,000 है, ईयरली फीस में बोल रहा हूँ, मंथली फीस नहीं। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ मिरर्स की एनुअल फ़ी के बारे में, तो ओपन के लिए जो एनुअल फ़ीस है वो है 1,20,000 इंक्लूडिंग GSTs और EWS और OBC कैटेगरी के लिए अबाउट 50% फीस कम है। अगर मैं बात करूँ NTs के बारे में, जो NTs कैटेगरीज है उसके बारे में, उसकी फ़ीस है 12,000, VG के लिए भी 12,000, SC ST के लिए थी अबाउट 5,000 फीस है। तो ये बात हुई फ़ीस की, और फीस रिफंडेबल होती है SC ST NT1 NT2 NT3 NTA के जो बच्चे हैं उनकी जो सारी फ़ीस है वो रिफंड होती है बाद में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सीट मैट्रिक्स के बारे में, मतलब कौन से कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीट्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरर्स में, अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया कोटा का जो 15% पॉइंट होता है उसके बारे में मैंने पहली वीडियो में जानकारी दी है। ऑल इंडिया कोटा और ऑल इंडिया कोटा की सारी जो जानकारी थी वो मैंने मेरे इसी वीडियो के पहले दी है, तो वो आप वीडियो जाके देखिए कि ऑल इंडिया प्रोसेस आखिर क्या होता है। ऑल इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मिरर्स कॉलेज में ऑल इंडिया के अभी की बात कर रहा हूँ मैं, जो पहले जो 30 स्टूडेंट्स की जो बैच थी वो 1962 में थी, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। 2023 में जो सीट मैट्रिक्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिरर्स की, तो ऑल इंडिया की अबाउट 30 सीट्स हैं मिरर्स में और स्टेट के अबाउट 170 सीट्स हैं मिरर्स में
और उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ ओपन कैटेगरी के लिए, अगर ओपन कैटेगरी में अगर आप बॉय हो तो आपके लिए 39 सीट्स अवेलेबल है मिरर्स में, AWS कैटेगरी के लिए 9 सीट्स अवेलेबल है मिरर्स में, 8, VG के लिए 2, NT2 के लिए 4, सॉरी NTB के लिए 4, NT3 के लिए 4, NT3 के लिए 2, NT2 के लिए 4, NT1 के लिए 4। उसके बाद अगर आप ओपन में गर्ल हो तो फिर आपके लिए वो सीट से ओपन कैटेगरी में 18, AWS में 5, SC6, ST4, VJ1, NT11, NT22, NT31। अगर आप ऑर्फेन हो तो सिर्फ आपको AWS कैटेगरी में सीट अवेलेबल है वो है 1। अगर आप PWD हो तो ओपन में 3, AWS में 1, SC में 1, VJ में 1। अगर आप जनरल हो और हैंडीकैप्ड हिली एरिया से हो तो फिर ओपन में 1 ही है, VJ में 1 है। वुमेन हो और हिली एरिया से हो ओपन में 1, SC में 1। तो ये हुआ स्टेट में सीट मैट्रिक्स। अगर मैं स्पेशल रिजर्वेशन की बात करूँ तो D1 में गर्ल्स के जनरल में 2 सीट से, जनरल मतलब बॉयज़ के लिए 2 सीट से और वुमेन्स के लिए 1 सीट है। D2 में वुमेन के लिए ही 1 सीट, D3 में और जनरल के लिए ही 1 सीट, MKB में भी जनरल में 1 सीट है। वुमेन का जो रिजर्वेशन है वो 33% रिजर्वेशन है। जनरल सीट्स में बोथ वुमेन एंड मैन आ सकते हैं, पर वुमेन के जो सीट्स है सिर्फ वुमेन्स ही जा सकते हैं उस सीट्स में। अगर मैं बात करूँ तो टोटल स्टेट्स में कितनी सीट्स है स्टेट काउंसलिंग के लिए, अगर आप बॉय हो, मतलब अगर आप बॉय हो या फिर गर्ल हो, जो जनरल सीट्स है वो दोनों बॉय और गर्ल के लिए अवेलेबल है, वो है 105। अगर सिर्फ वुमेन की सीट्स अगर मैं देखूँ, वुमेन्स सिर्फ वुमेन्स ही उस पर हक जता सकती है, वैसे सीट्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज में 50, ऑर्फन के लिए सिर्फ 1 ही सीट है मिरज में, PWD के लिए 8 सीट से मिरज में, जनरल हिली एरिया के लिए 3 सीट से और वुमेन के लिए जो हिल एरिया से आती है उसके लिए 2 सीट से। तो ये हुआ सब कुछ। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल के लिए 19, वुमेन के लिए 10, ऑर्फन के लिए कुछ नहीं, PWD के लिए 2, जनरल हिल एरिया के लिए 1। तो ये हुई बात। अगर मैं बात करूँ रिजर्व सीट के बारे में, कितना सीट रिजर्व है मेरज में, जनरल के लिए 53 सीट रिजर्व है, मतलब बॉय अगर कोई वुमेन हो या फिर मैन हो ओपन छोड़ के किसी भी कैटेगरी में हो तो उसके पास अब लगभग 53 सीट से, वुमेन के लिए 25 सीट से, PWD के लिए 4, जनरल हिल एरिया के लिए 2, जनरल सॉरी वुमेन हिल एरिया के लिए 1। तो ये हुई बात सीट मैट्रिक्स की। अगर मैं बात करूँ मिरज का जो एरिया है, मिरज का जो एरिया वो आउटसाइडर एरिया है, मतलब वो मेन सिटी में कंपेराइज नहीं करता है। मिरज के एरिया के पास बहुत खूबसूरत नेचर का लुक दिखता है, बहुत सारी झाड़ियाँ है और नेचर का बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। मिरज के पास में ही सांगली सिटी लोकेटेड है, इस कारण से आप बहुत रोडवेज एज वेल एज रेलवेज मिरज तक पहुंच सकते हैं। मिरज में बहुत बड़ा जंक्शन प्रेजेंट है जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का बहुत बड़ा जंक्शन माना जाता है, कोल्हापुर के बाद मिरज में लोकेटेड है। मिरज में कोई एयरपोर्ट नहीं है, इस कारण से अगर आपको मिरज में आना है एडमिशन के बाद तो आप कोल्हापुर में लैंड कर सकते हैं, कोल्हापुर में एयरपोर्ट प्रेजेंट है और एयरवेज भी चालू है। इस कारण से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिरज में अलॉटमेंट होता है तो आप रेलवे से आ सकते हैं, रोडवेज से आ सकते हैं और एयरवेज से भी इजीली आ सकते हैं, पर आपको कोल्हापुर में लैंड करना पड़ेगा और कोल्हापुर से आप रेलवे या फिर बस लेके मिरज तक पहुंच सकते हैं। ये बात हुई गवर्नमेंट कॉलेज मिरज की। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल जो सिम्बॉल है और ऑफिशियल जो उसका जो नेम प्लेट है वो ये है, यहाँ पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सिम्बॉल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज का सिंबल, वो सांगली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और सांगली डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ इकलौता मेडिकल कॉलेज है जो गवर्नमेंट हैंडल करती है। यही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज का हॉस्टल, हॉस्टल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज का बहुत अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर फर्स्ट ईयर का हॉस्टल, सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर और लास्ट ईयर का जो हॉस्टल होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए आउटसाइड हॉस्टल अलॉट किया जाता है क्योंकि रैगिंग के इतने केसेस अब यहाँ पे नहीं मिलते, रैगिंग फ्री कैंपस माना जाता है मिरज का, इस कारण से रैगिंग हुई तो भी इतना कुछ बहुत कुछ नहीं होता रैगिंग में, उसका आपको यूज टू होना पड़ेगा क्योंकि आप अब ग्रोन अप हो, उतना तो इंट्रोडक्शन बनता ही। तो ये हुई बात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिरज के बारे में। आपको जो कॉलेज चाहिए वो मेरे को कमेंट में बताइए, उस कॉलेज के अनुसार मैं अगला वीडियो बना लूँगा, या मेरे को व्हाट्सएप कीजिए या फिर मेरे को जीमेल पे भी भेजिए। तो फिर बस इतना ही इस वीडियो में, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो मेरे इस कमेंट में बताइए,
उसके साथ ही अगर जो कॉलेज आपको चाहिए अगले वीडियो में वो भी आप मेरे को बताइए कमेंट में। मैं सभी कॉलेज की हिस्ट्री एज वेल एज हॉस्टल फैसिलिटीज एज वेल एज द कॉलेज आउटलुक उसके साथ ही उसका कट ऑफ उसके साथ ही उसके सीट मैट्रिक्स ला के लाऊंगा अगली वीडियो में। अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज की मेस के बारे में, इस कॉलेज की मेस भी वन ऑफ द बेस्ट मेस मानी जाती है और ये जो मेस की फ़ीस है वो हॉस्टल की फ़ीस में ही इंक्लूडेड है, इस कारण से एडिशनल फीस देना नहीं पड़ता है। तो ये हुआ कॉलेज जो मीरस में है गवर्नमेंट का, उसके बारे में सभी जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलती है अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी जो आप कॉलेज चाहते हैं उसके बारे में। अगर आपको जो भी कॉलेज चाहिए हो तो मेरे को कमेंट में पोस्ट कीजिए, वो उसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।